हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आप लोग का स्वागत करती हूँ यूपीपीएससी यूपीएससी मेंस के जनरल स्टडी पेपर नंबर 4 में। तो हम लोग कर रहे हैं दार्शनिक विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता और सुधारक के बारे में, जिसमें मैंने आपको महावीर स्वामी के बारे में बता दिया था, जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया था। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, और इनके जीवन काल के बारे में, इनकी शिक्षाएं, इनका योगदान, उनके सिद्धांत क्या क्या थे, उसके बारे में पूरी चर्चा यहाँ पर करेंगे। और ये प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हम लोग मेन्स का टॉपिक यहाँ लेके चल रहे हैं, जो कि जनरल स्टडी पेपर 1 पेपर 4 में आता है, प्लस ये पेपर 1 से भी रिलेटेड है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और महावीर स्वामी का जो PDF है वो आपको सक्सेस मंच चैनल और मेरे टेलीग्राम पे, सक्सेस मंच के नाम से ही टेलीग्राम है, उस पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बाकी मेरी कोई भी वीडियो देखोगे वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप लोग जाके महावीर स्वामी का जो भी PDF है उसको डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। तो मैं इसको, ये तो यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल दी हुई है कि इनका धर्म क्या था, जन्म क्या, कब हुआ था, निधन कब हुआ था, जीवन साथी कौन था, उत्तराधिकारी, ये सब मैं आपको प्रॉपर एक स्टोरी के हिसाब से आपको समझाती हूँ कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो हुआ था ईसा पूर्व 563 ईस्वी में, शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में जो स्थित था लुम्बिनी, वहाँ पर। इनके पिता सुद्धोधन थे जो शाक्य गण के प्रधान थे, और माता महामाया थी जो इन देवी कोल्य वंश गणराज की कन्या थी। ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, और इनके जो पालन पोषण था इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया था। इनके पिता ने कम उम्र में ही इनका विवाह कर दिया था, जिनका नाम था यशोधरा उनके उनसे, और इनके पिता ने इनके आनंद के लिए बहुत सारे आवास बनाए थे, इन्हें विलासतापूर्ण जीवन उपलब्ध कराया था, मगर फिर भी बुद्ध हमेशा पता नहीं किस चिंता में हमेशा ही खोए रहते थे। 29 वर्ष की आयु में इन्हें राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये इनके मतलब नॉर्मल, ये जो इनका हम कह सकते हैं प्रारंभिक जीवन बीता था। अब इनके जो जीवन में कुछ घटनाएं घटी थी उसके बारे में भी मैं यहाँ नॉर्मली बता देती हूँ, क्योंकि ये सब जो है वो प्री का कॉन्सेप्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। बस हाँ, अगर आपको इंट्रो लिखना हो तो थोड़ा बहुत इसमें से आप लोग लिख सकते हो। तो एक थी महाभिनिष्क्रमण की घटना। अगर महाभिनिष्क्रमण की घटना की बात करें तो इसे गृह त्याग की घटना कहा गया है। एक दिन सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण के दौरान वृद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी को इन्होंने देखा, जिसमें एकमात्र जो सन्यासी था वो ही उन्हें खुश दिखाई दे रहा था। तो उसी रात उन्होंने अपने घोड़े कंथक, ये नाम याद रखेंगे, कंथक को लेकर गृह त्याग कर दिया। अब एक है संबोधि की घटना, जिसके द्वारा इन्हें मतलब कि ज्ञान प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, वैशाली के निकट अलार कालम को अपना कालाम को गुरु बनाकर योग समाधि की शिक्षा ली। उसके बाद गौतम बुद्ध ने बोधगया में 6 वर्ष की निरंतर साधना के बाद बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि को निरंजना नदी के तट पर स्थित पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसे बौद्ध ग्रंथ में निर्वाण कहा गया। यही घटना संबोधि की घटना कहलाती है। पीपल के जो वृक्ष था उसे बोधि वृक्ष कहा गया, और गौतम जो थे वो गौतम बुद्ध कहलाए, और गया को बोध गया के नाम से जाना गया। तो ये इनके मेन जो इनके जीवन में घटनाएं घटी उसके बारे में मेनली ये क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, महाविनिष्क्रमण और संबोधि की घटना पे एग्जामिनर पूछ सकता है, बट क्वेश्चन आगे आएगा उनके सिद्धांत क्या थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी, उनका योगदान क्या था, फिर पर्टिकुलर उन्होंने जो जो सिद्धांत दिए उसके अंदर से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम डिटेल में वही स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि उन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था, तो इस पर अलग से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि
बौद्ध जो दर्शन था वो चार आर्य सत्यों पर आधारित था, तो इसके बारे में एक्सप्लेन से समझाइए। तो दुख से मुक्ति पाने और निर्वाण प्राप्त करने के लिए बौद्ध ने चार आर्य सत्य बताए थे, और जो बुद्ध की शिक्षाओं का हम कह सकते हैं एक कंक्लूजन टाइप में है। तो सबसे पहला सत्य है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये चारों एज इट इज आपको याद करनी है, और उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो दुख का मतलब है कि सभी ओर दुख है, जहाँ भी देखो वहाँ दुख है। बुद्ध ने कहा संसार में दुखियों ने जितने भी आंसू बहाए हैं उनका जल महासागरों के जल से अधिक है। मतलब कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें दुख ना हो। तो ये दुख मतलब हर एक हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें आती हैं वो सबका कारण दुख ही है। नेक्स्ट है दुख समुदाय। दुख समुदाय का अर्थ है कि दुख का उदय या दुख का उत्पत्ति का कारण। तो किसी भी दुख की उत्पत्ति का एक पर्टिकुलर कारण होता है। बुद्ध ने दुख के मूल कारण की खोज की है, और बुद्ध ने दुख के 12 कारण बताए हैं जिसे द्वारशांग चक्र भी कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस 12 कारण के बारे में हम लिखेंगे। एक कारण जो है दूसरे कारण से उत्पन्न होता है, मतलब इसका मतलब यही कह सकते हैं मेनली कि कोई भी दुख जब हमारे सामने आता है तो उसका एक पर्टिकुलर कारण होता है। बिना किसी रीज़न के कोई दुख हमारी लाइफ में नहीं आ सकता, तो उसे लॉ ऑफ कर्मा से भी जोड़ा जा सकता है। थर्ड इसमें पॉइंट है दुख निरोध की बात की गई है। तो दुख निरोध का मतलब है कि दुख का निरोध संभव है, मतलब कि दुख को रोका जा सकता है। दुख निरोध का अर्थ निर्वाण भी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अग्नि के ताप से नष्ट हो जाना। निर्वाण में सभी दुख नष्ट हो जाते हैं, और दुख के रोकने का मूल तरीका अविद्या को नियंत्रित करना है। मतलब कि हमारे पास जो सोचने समझने की शक्ति नहीं है, जो बुद्ध का ज्ञान नहीं है, उसको हमें पाना ही दुख निरोध यहाँ कहलाता है। पहले देख लिया कि संसार दुखों से भरा है, दूसरा दुख का एक पर्टिकुलर कारण होता है, तीसरा हो गया कि इस दुख का निरोध संभव है, और चौथा हो गया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका मतलब है कि दुख निरोध के मार्ग पे बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग प्रस्तुत किया है। मतलब कि अगर इस दुख को से बचना है तो 8 मार्गों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और बुद्ध ने स्वयं भी इसी मार्ग पर चल के निर्वाण की प्राप्ति की थी। अब वो अष्टांगिक मार्ग क्या है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो ये है अष्टांगिक मार्ग बुद्ध के। तो ऐसे ही पर्टिकुलर क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले है सम्यक दृष्टि, मतलब कि सत्य और असत्य के पहचानने की शक्ति इंसान के पास होनी चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही है, आप पर्टिकुलर आज की सिनेरियो को लेके ये क्वेश्चन करेंगे कि जो भी चीज़ें आ रही हैं, अगर आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं आगे, तो आपके अंदर ये शक्ति होनी चाहिए कि सत्य और असत्य को कैसे पहचाने। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को अपनी लाइफ से जोड़कर या अपने एक पर्टिकुलर जॉब जो आप करने जा रहे हैं उससे जोड़कर यहाँ पर लिख के बताइए। तो नेक्स्ट है सम्यक संकल्पना। सम्यक संकल्पना का मतलब है इच्छा और हिंसा रहित संकल्प। मतलब कि अंदर कोई एक पर्टिकुलर हमारे पास इच्छा डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर हिंसा की भावना किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। थर्ड है सम्यक वाणी। इसका आप समझ ही गए होंगे कि हमें हमेशा सत्य और मृदु वाणी का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है सम्यक कर्म, जिसमें सत्कर्म, दान, दया, सदाचार और अहिंसा के विचार ये होने चाहिए हमारे कर्म के अंदर। सम्यक आजीव। आजीव का मतलब यहाँ जीवन यापन का सदाचार पूर्ण और उचित मार्ग। आजीव मतलब कि हम जितने भी पर्टिकुलर जीवन में जीवन जीते हैं वो एक सदाचार पूर्ण होना चाहिए, और उसका रास्ता भी उचित होना चाहिए। गलत रास्ते पे चल के अपना जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए। नेक्स्ट है सम्यक व्यायाम। व्यायाम मतलब होता है विवेकपूर्ण प्रयत्न, मतलब कि आत्म परीक्षण, प्रशिक्षण व आत्मनियंत्रण के लिए हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा अपने को नियंत्रित रखना चाहिए यहाँ पर। सम्यक स्मृति, अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सहज रहने की शिक्षा ये देता है। नेक्स्ट है सम्यक समाधि, मतलब कि चित्त की एकाग्रता। हम जो भी काम जिस समय कर रहे हैं उस समय हमें वही काम करना चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाने में होना चाहिए, और आप पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ने में होना चाहिए। तो ये है सम्यक समाधि की स्थिति। चलिए आगे देखते हैं।
अब गौतम बुद्ध के सिद्धांत की बात करेंगे, तो अगर सिद्धांत पूछेंगे तो आप ये जो पूरे पॉइंट्स मैंने दिए 6 पॉइंट ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी चीज़ें एक दो मैं बताऊंगी उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रतीत समुत्पाद, इसके बाद दशशील, उनके दशशील हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, अष्ट महास्थल है इनके, त्रिरत्न की बात इन्होंने की है, अनात्मवाद की बात की है मतलब आत्मा नहीं होती है, अनीश्वरवाद की बात की है कि ईश्वर भी नहीं होता है। तो ये गौतम बुद्ध के सिद्धांत हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं दशशील से। तो यहाँ पर सबसे दशशील का मतलब है कि 10 ऐसी चीज़ें जो सदाचार हेतु बहुत ज़्यादा आवश्यक है और नैतिक आचरण हेतु 10 शील पाल, इन 10 शीलों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन 10 चीज़ों का पालन करके इंसान निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। तो ये सिर्फ मैं रीड आउट यहाँ कर देती, बहुत इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हार्ड कुछ भी नहीं है। किसी की हत्या ना करना, चोरी ना करना यहाँ पे, उसके बाद है दुराचार ना करना, झूठ ना बोलना, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों का दोष नहीं निकालना चाहिए, अपवित्र भाषण नहीं देना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, दूसरों से घृणा नहीं करनी चाहिए, और अज्ञान से यहाँ बचना चाहिए। तो ये 10 शील हैं गौतम बुद्ध के। तो ये आप एज यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ ना बोलना को आप सत्य ना बोलना भी लिख, सॉरी असत्य ना बोलना भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अष्ट महास्थल के बारे में। अष्ट महास्थल के बारे में है, तो ऐसी 8 जगह है ये जो बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है, मतलब कि ऐसे स्थल हैं ये जो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं, इन्हें ही अष्ट महास्थल कहा गया। जैसे कि लुम्बिनी में वहाँ उनका जन्म हुआ था, बोधगया में उन्होंने संबोधि प्राप्त की थी, सारनाथ है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है जहाँ पे उन्होंने अपने उपदेश दिया था, चंपानेर पावागढ़ है जहाँ उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, नालंदा है जहाँ उनके उपदेश को आज भी मतलब कि दूसरों के समक्ष सुनाया जाता है, सिद्धांत और पेशावर, ये सारी ये जो अष्ट महास्थल हैं आपको यहाँ पे लर्न करने होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्ध की त्रिरत्न की। तो निर्वाण के लिए बुद्ध ने कहा है कि त्रिरत्न की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपने सुना होगा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, तो यही है बुद्ध के 3 रत्न। तो बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्ध की शरण में आओ, और फिर धम्म मतलब धर्म के शरण में आओ, जो धर्म है उसका पालन करो, और थर्ड है या संघ के शरण में आओ, मतलब कि सब कुछ त्याग कर जो संघ बनाए गए हैं बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं और सिद्धांतों को फैलाने के लिए, उनकी शरण में आओ। तो ये 3 रत्न हैं हमारे बुद्ध के। तो आप समझ गए होंगे, पहले तो बुद्ध की शरण में आओ, दूसरा धर्म जो भी कार्य धर्म के समानुपाती है वो कार्य करना चाहिए, और तीसरा सब कुछ त्याग कर संघ में सम्मिलित हो जाओ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अनात्मवाद की। तो बुद्ध प्रत्यक्षवादी थे, मतलब जो भी उनके सामने दिखाई देता था सिर्फ उसी को वो मानते थे। वो अनात्मवादी थे मतलब कि आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, और शरीरांत के साथ आत्मा का भी नाश मान लेते थे, मतलब कि जैसे अगर शरीर का अंत हो गया, जैसे मृत्यु हो गई, तो आत्मा भी साथ के साथ ही मर जाती थी। और जिस दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को निषेध किया गया हो उन्हें अनात्मवादी दर्शन कहा जाता है। तो इसलिए उन्होंने आत्मा को नहीं माना था। तो ये आप याद रखेंगे कि बुद्ध जो थे वो आत्मा को नहीं मानते थे बौद्ध दर्शन में। नेक्स्ट है अनीश्वरवाद। बुद्ध ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानते थे क्योंकि दुनिया प्रत्युत समुत्पाद के नियम पर चलती है। अब ये मैं आगे बताऊंगी प्रत्युत समुत्पाद नियम क्या होता है। और प्रत्युत समुत्पाद नियम अर्थात कार्य कारण की श्रृंखला, मतलब कि अभी हमने बात की थी, कोई दुख होता है उसके पीछे कोई कारण ज़रूर होता है, मतलब कि कोई भी कार्य अगर हो रहा है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई कारण है क्योंकि आपको एक ऑफिसर बनना है। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे लिए भी कोई कारण है कि मुझे अच्छी से अच्छी नॉलेज आप लोगों को दे है, जो मेरे को पता है, जो मुझे मैं आपको कर दे सकती हूँ। तो बहुत जो भी घटनाएं आपकी लाइफ में घटती हैं, आप खाना खाते हैं तो उसके पीछे यही रीज़न होता है कि आपको अपना पेट भरना है। तो बहुत सारे जो भी इस पूरी दुनिया में
कार्य होते हैं, जो भी दुख होता है, कार्य होते हैं, सुख होता है, सब कुछ होता है, उसके पीछे कारण जरूर होता है, तो इसी को कहते हैं प्रत्येक समुत्पाद की श्रृंखला, या उसी को प्रत्येक समुत्पाद कहते हैं। इस श्रृंखला के कई चक्र हैं जिसे 12 अंगों में बांटा गया है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही ऊपर ऊपर से कर लेना है। अतः इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई नहीं है, ना ही कोई उत्पत्ति करता है, क्योंकि उत्पत्ति कहने से अंत का भान होता है, और तब ना कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत। मतलब कि इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है और इसको अंत करने वाला भी कोई नहीं है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और यही चीज़ जैन धर्म में भी कही थी कि अनिश्वरवाद का सिद्धांत उनके अंदर भी था, बट वो आत्मा को मानते थे, और यहाँ ये आत्मा को नहीं मानते हैं, ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, तो ये आप समझ गए होंगे। इन्होंने एक सिद्धांत और दिया था, क्षणिकवाद का सिद्धांत, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के क्षणिकवाद के सिद्धांत को समझाइए। तो इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और नश्वर है, जो भी चीज़ें आई हैं उसको जाना कंपलसरी है, वो जाएगी ही जाएगी, चाहे वो एक पत्थर से लेकर एक इंसान ही क्यों ना हो, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ यहाँ पे परिवर्तनशील है। ये शरीर और ब्रह्मांड उसी तरह है जैसे कि घोड़े पहिए और पालकी के संगठित रूप को रथ कहते हैं, और इन्हें अलग अलग कर देने से रथ का अस्तित्व नहीं माना जाता। तो ये आप एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे कि यहाँ पर जो भी चीज़ें इस यूनिवर्स में आई हुई हैं, चाहे वो छोटे से एक तिनके से लेके बड़े से बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो करीब 100, 200, 500, 1000 साल बाद ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए क्षणिक मतलब छोटे कम टाइम का, तो क्षणिकवाद इसी को कहा जाता है, क्षणिकवाद का सिद्धांत। चलिए एक इसमें टॉपिक रह गया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर, तो ये अंतर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी जो मैंने चीज़ें बताई और लास्ट क्लास में जो हमने जैन धर्म किया था, आप अपने हिसाब से अगर अंतर करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, बाकी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि आप अंतर ऐसे कर सकते हैं। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा गौतम बुद्ध ने दी थी और जैन धर्म की शिक्षा महावीर स्वामी द्वारा दी गई थी, या एज इट इज़ आप जानते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया है, तो आप यह समानता और असमानता करके भी, मतलब एक बीच में लाइन खींचोगे, यहाँ समानता लिख देगी, यहाँ पे असमानता, तो यहाँ पे इस टाइप में भी आप अंतर दे सकते हो। नेक्स्ट, बौद्ध और जैन धर्म दोनों बहुदेववादी धर्म है, लेकिन बौद्ध धर्म का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना, बल्कि जैन धर्म का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति होती है, क्योंकि जो आपने अभी देखा कि बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानते, जैन धर्म आत्मा को मानते हैं। बौद्ध धर्म किसी के भी द्वारा धारण किया जा सकता है, बट जैन धर्म श्रमणों का धर्म माना जाता है। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म एक आम जनता का धर्म कहा जा सकता है, लेकिन जैन धर्म बहुत थोड़ा सा कठिन यहाँ माना जाता है, इसलिए इसे श्रमणों का धर्म माना जाता है। बौद्ध धर्म वाले आराधना के लिए बौद्ध मठ और मंदिर जाते हैं, जबकि जैन धर्म वाले केवल मंदिर जाते हैं आराधना के लिए। बौद्ध धर्म का उद्देश्य है ज्ञान को पाना, जबकि जैन धर्म का उद्देश्य अहिंसा, आत्मा को शुद्ध करना और खुद पे विजय प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म में ध्यान लगाना सिखाया जाता है, जैसे कि आपने विपस्सना सुना होगा, तो बौद्ध धर्म का एक ध्यान लगाने की टेक्निक है विपस्सना। जबकि जैन धर्म में अहिंसा, चोरी ना करना और किसी से संबंध अधिक ना रखना, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना और सच को सदैव मानना सिखाया जाता है। बौद्ध धर्म मूलतः भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है और जैन धर्म भारत का है। मतलब कि बौद्ध धर्म आपने देखा होगा कि श्रीलंका में भी, और कुछ हद तक चाइना में, बांग्लादेश में, नेपाल में, मुख्यतः यहाँ पे भी जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ बौद्ध धर्म पाया जाता है, और जैन धर्म का ज़्यादा प्रसार नहीं हो पाया, तो ये लिमिटेड था, भारत तक ही सीमित था जैन धर्म। तो यहाँ हमने पूरा पर्टिकुलर टॉपिक कर लिया बौद्ध धर्म के ऊपर ही, और इनकी शिक्षाओं की अगर हम बात करें तो आप जितना भी मैंने यहाँ बताया है, तो उन्होंने अनात्मवाद का सिद्धांत दिया था, अनिश्वरवाद का सिद्धांत दिया था, क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया था, प्रत्युत समुत्पाद का सिद्धांत दिया था, इसके अलावा अहिंसा का सिद्धांत दिया, सत्य का सिद्धांत दिया, इन्होंने चार आर्य सत्य सिद्धांत दिया, इसके बाद दशील के बारे में बताया, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, इन्होंने हमेशा सदाचार पर जोर दिया, करुणा और अहिंसा के बारे में बताया, ये वर्ण व्यवस्था का विरोध किया इन लोगों ने,
तो ये सारी जो शिक्षाएं, जो इसका कंपाइलेशन अगर योगदान बोला जाएगा, तो आप ये सारा ओवरऑल जो मैंने अभी आपको सारा पढ़ाया उसको आप कंपाइल करके एक जगह लिख के इनकी शिक्षाएं या इनका योगदान में आप डाल दोगे। तो होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं नेक्स्ट क्लास में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मेरा यहाँ मोटिव सिर्फ आपको एक PPT बना के, वीडियो बना के दे देना नहीं है। यहाँ मेरा मोटिव पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना, जो कि मुझे कहीं भी नहीं मिला है पूरे YouTube चैनल पे। मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जिस समय, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ कि जिन लोगों को ज़रूरत हो उन लोगों को ये चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।